दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार को घेरते हुए कहा कि 10 साल सड़कों को बर्बाद करने वाले चुनाव अधिसूचना से लगभग 10 हफ्ते पहले जागकर सड़कें गड्ढा मुक्त करने के दावे कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की सड़कों के दिल्ली वाले चार बड़े दोषी हैं, केजरीवाल, जैन, सिसोदिया और मार्लेना। आगे विधानसभा चुनाव में दिल्ली वाले इन्हें पूरी तरह से जवाब देंगे और इन्हें नकार देंगे। तो 9 साल दिल्ली की सुध ली नहीं, अब जब चुनाव सर पर आ गए हैं तो उन्हें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। मैं आतिशी मार्लेना को और बधाई देता हूं, क्योंकि इस राजनीतिक नौटंकी का अगला एपिसोड अभी शुरू होगा। इन्होंने कहा कि दिवाली तक हम दिल्ली को गड्ढा मुक्त कर देंगे, तो कीजिए दिवाली तक गड्ढा मुक्त, अच्छी बात है। लेकिन होगा क्या कि दिवाली के बाद ये फिर कहेंगे कि बीजेपी ने हमें गड्ढे नहीं भरने दिए। कि आतिशी मार्लेना ने ये स्वीकार कर लिया है कि हाँ, पिछले 10 सालों के अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी शासन में दिल्ली गड्ढों का शहर बन चुकी है। और जिस तरह की ये राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, पटपड़गंज में अगर सौरभ भारद्वाज जा रहे हैं तो पटपड़गंज के विधायक कौन है जो दिल्ली के 9 साल उप मुख्यमंत्री रहे, मनीष सिसोदिया। तो 9 साल दिल्ली की सुध ली नहीं, अब जब चुनाव सर पर आ गए हैं तो उन्हें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। मैं आतिशी मार्लेना को और बधाई देता हूं, क्योंकि इस राजनीतिक नौटंकी का अगला एपिसोड अभी शुरू होगा। इन्होंने कहा कि दिवाली तक हम दिल्ली को गड्ढा मुक्त कर देंगे, तो कीजिए दिवाली तक गड्ढा मुक्त, अच्छी बात है। लेकिन होगा क्या कि दिवाली के बाद ये फिर कहेंगे कि बीजेपी ने हमें गड्ढे नहीं भरने दिए। ये इनकी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। दिल्ली में सीवर की सफाई ना होना, जल भराव होना, जल भराव से सड़कों का डूबना, सड़कों का गिरना, सड़कों को गड्ढे होना, ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का खेल है जो सीवर, बिजली, पानी